आपकी मैडम ने सस्पेंड कर दिया, हमें कॉल करके धमका रही है, ये कर दूंगी, उठवा लूंगी, एडमिशन ही भेजूंगी। वो कहते हैं कि रेप नहीं हुआ, पहले कहते हैं रेपिस्ट मिल गया, फिर कहते हैं विक्टिम नहीं है। कैंटीन पे जो मेल गार्ड होते हैं इंतहाई बदतमीज, यहाँ नीचे बैठ के नशे कर रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाने आए, हम सुबह से आपके साथ लड़ रहे हैं, हमारे साथ ये बिहेवियर ना रखें यार। सर हमारे साथ ये बिहेवियर ना रखें, हमें नहीं ये समझ आता। आपको ये किसी ने राइट नहीं दिया इस तरह का बिहेव करने के। एसपी अखलाक साहब हैं जी, रिंग रोड पे भी यही बिहेवियर था, इधर भी यही बिहेवियर। सिकंदर हयात साहब अभी इधर वजीर तलीम आए थे, उन्होंने कहा ये मॉब नहीं है, इनको हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, एसपी साहब ऐसे ट्रीट करेंगे। बहरहाल हम इंसाफ लेने के लिए बोल भी नहीं सकते जी, आपकी ये जरूरत ही नहीं है आप बोल दें। आप सिकंदर याद साहब हमें तसल्लियां दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और एसपी साहब ऐसा बिहेवियर रखेंगे यार। मेरे पीछे इस वक्त बेसमेंट का रास्ता जा रहा है जहां पर ये वाकया पेश आया, ठीक है। अभी जो इतलात थी सोशल मीडिया पे उसके मुताबिक बेसमेंट को ताला लगाया गया, जबकि मैंने खुद देखा बेसमेंट में किसी तरह का ताला मौजूद नहीं है, बेसमेंट ओपन है। यहाँ पर मेरे से खवातीन मौजूद है, इन्होंने बताया कि बेसमेंट में एक वैन थी, वैन को लॉक करके ये बेसिकली वाकया। इस कदर घिनौनी हरकत, और अब वो बेसमेंट ठीक है, वो क्राइम सीन है, उधर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन इस तरह का सलूक ये समझ से बालातर है। आप लोग कब तक प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ? जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे, हफ्ता करना हुआ हफ्ता करेंगे, महीना करना हुआ महीना करेंगे। मुतालबा क्या है आप लोगों का? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोगों को लीड कोई नहीं कर रहा, हमें नहीं पता लग रहा कि किससे मुतालबा लेना है, कौन लीड कर रहा है, क्या मुतालबा क्या है? जो बच्चे लीड करना चाह रहे थे उन्हें आपकी मैडम ने सस्पेंड कर दिया, हमें कॉल करके धमका रही है, ये कर दूंगी, उठवा लूंगी, एडमिशन ही भेजूंगी, ये करूंगी, ठीक है। हमें कोई उससे डर नहीं लगता। और ये जो ओन नामी गार्ड है जिसने सब कुछ किया, और जो वैन वाले का नाम कुछ नहीं पता, ये ओन को लेके आए। आपके एसएचओ ने कहा है कि वो जो ओन बंदा है ना वो उनकी कस्टडी में है। फिर वो कहते हैं कि रेप नहीं हुआ, पहले कहते हैं रेपिस्ट मिल गया, फिर कहते हैं विक्टिम नहीं है। अभी सिकंदर यासर वजीर तलीम है, वो आए हैं, उन्होंने जो बात कही है उन्होंने कहा है कि विक्टिम हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है वाकया, ठीक है, वो मान चुके हैं। उन्होंने कहा मुजरिम भी गिरफ्तार है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई बंदा यहाँ से स्टक ऑफ नहीं किया जाएगा, प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं रहेगी, ये उनकी तसल्लियाँ थी। इस पर यकीन कर सकती हैं? नहीं कर सकते। वो किस तरह यकीन होगा इन सब पैसे यकीन होगा? पहले हमारे सामने प्रिंसिपल चेंज करें, हमारे हर फ्लोर पे इतने मेल गार्ड्स का तुक्की नहीं बनता, ठीक है। हर टाइम ये फीमेल कैंपस है जी, जी ये फीमेल कैंपस है, यहाँ पे बॉयज नहीं आते, तो ये हमारी फीमेल गार्ड्स लेके आए। कैंटीन पे जो मेल गार्ड्स होते हैं इंतहाई बदतमीज, ठीक है, यहाँ नीचे बैठ के नशे कर रहे होते हैं, इनको निकालें यहाँ से, लिमिटेड करें, ठीक है। इस तरह के फजूल लोग हमें नहीं चाहिए यहाँ पर, हमारा तहफ़ यकीनी बनाए। बस मुझे धमकियाँ मिली हैं भाई, मैं अपना ये सारा एडमिशन बोर्ड सब कुछ अपना करियर रिस्क करके यहाँ खड़ी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वायलेंट प्रोटेस्ट ना करें, बच्चों पे पहले असॉल्ट किया गया तो हमने फाइट बैक किया डिफेंस के लिए। चाहूँगा मरियम नवाज साहिबा जो कि सीएम है, खुद एक फीमेल हैं, उन्होंने कहा था खवातीन हमारी रेड लाइन है। आज से चंद दिन पहले गुजरांवाला में एक वाकया हुआ इसी तरह का, सरकारी स्कूल के अंदर बच्चियों का इस्तेहसाल किया गया, आज यहाँ पर क्या पैगाम देंगी मरियम साहिबा? गैरत का मुजाहिरा करें और एक्शन लें इसके खिलाफ सख्त। किधर है स्टेट्स होई हुई, क्या कर रही है? बहरहाल जी ये इनका मुतालबा है कि जो भी कार्रवाई हो वो सबके सामने हो, फेयर हो, वो ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए, हमें नजर आए कि जो हो रहा है।